टाटा इंडिको चला रहे भाई, टाटा इंडिको ECS डीजल मॉडल है ये, ठीक है, वेरिएंट ऑफ द टाटा इंडिको, कम्स विद 1.4 लीटर TDI इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन। तो अपन देखेंगे इसका पूरा सर्विस मेंटेनेंस का रहता एंड माइलेज का बात अपन आखिरी में करेंगे। एंड यार गाइस, बिफोर गोइंग फॉर अ टेस्ट ड्राइव, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, वी कीप पोस्टिंग बेस्ट यूज्ड कार डील्स इन हैदराबाद। चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। व्हाट्स अप गाइस, आज अपन टाटा इंडिगो चला रहे। टाटा इंडिगो ECS है ये, 2013 मॉडल है, अपना डीजल इंजन के साथ जो आती 1.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है अपने को, 4 सिलेंडर का, कम्स विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। सो बैक इन द डे मार्केट में इसके कंपटीटर्स कौन कौन थे बोले तो, अपनी जो होंडा की अमेज हो गई, हुंडई की एक्सेंट हो गई, अपनी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, जो अपनी कॉम्पैक्ट सेडान है वो सेगमेंट में कम्पीट करती थी ये गाड़ी। एंड यार गाइस, आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, बिना यू नो TDI इंजन, द टॉर्क इज ऑलवेज रेडी टू ऑफर एंड स्टेयरिंग का फीडबैक बढ़ते रहता, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते रहते आप स्टेयरिंग का फीडबैक बढ़ते रहता। एंड सरप्राइजिंगली बीना कॉम्पैक्ट सेडान, इट्स यू नो स्पेशियस, आपको अच्छी जगह मिल जाती है इसमें। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फैमिली, आप बजट सेडान देख रहे हैं एक टाइट बजट में, आपको अच्छी स्पेस मिल जाती। एंड यार गाइस, इट्स ऑल्सो प्रीटी फ्यूल इकोनॉमिकल, ऐसा नहीं है कि आपको माइलेज नहीं दे रही पुरानी गाड़ी है बोल के, आराम से 12-13 का माइलेज मिल जाता सिटी में। एंड यार गाइस, एज आई ऑलवेज से, नो कार इज मेंटेनेंस फ्री, बी दैट टाटा, बी दैट मर्सिडीज, बी दैट वोल्वो, बी दैट BMW, बी दैट वोल्वो, बी दैट एनी अदर ब्रांड, एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू गिव द एसेंशियल्स द कार नीड्स, अदरवाइज गाड़ी मेंटेन नहीं होती लॉन्ग टर्म में एंड इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग टर्म। एंड पार्ट्स एंड सर्विस के लिए आप अपने पास आ सकते हैं अपने गैराज पे, आपको कंपनी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉड फॉरबिड आपको कोई पार्ट फेल हो गया, हम लोग वो अरेंज करवा के देते हैं आपको। एंड फॉर सर्विस ऑल्सो यू कैन कम एट आर गैराज। चलो इसका जनरल सर्विस और मेंटेनेंस का बात कर लेंगे अभी, लेट्स गो। अपन टाटा इंडिको चला के आए अभी, 2013 मॉडल है ये टाटा इंडिको ECS, 1.4 लीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो आती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इसका जनरल सर्विस। तो फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर्स योर जनरल सर्विस कॉस्ट विल कम आउट टू बी 3,700 रुपीज भाई, आपका ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कूलेंट टॉप अप जो भी होता 3,700 रुपीज में होता वो, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसके ब्रेक पैड्स, फ्रंट एंड रेयर ब्रेक पैड विल कॉस्ट यू अराउंड 1,500 रुपीज भाई। आपका आगे का ब्रेक पैड थोड़ा अलग रहता, पीछे का ब्रेक पैड थोड़ा अलग रहता, ईच न्यू ब्रेक पैड सेट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,500 रुपीज, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसका टायर 175, 65 आर 14 इंचेस के टायर्स है ये, तो ईच न्यू टायर विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 रुपीज भाई, डिपेंड अपॉन द कंपनी आप कौन सा ले रहे, C8 हो गया अपना, MRF हो गया, अपोलो हो गया, मिशलिन हो गया, डिपेंड अपॉन द कंपनी थोड़ा ऊपर नीचे होता 200-300 रुपए। 175, 65 आर 14 इंचेस के टायर्स है ये, ओके। नाउ लास्टली कमिंग टू इसका बैटरी साइज, 65 एम्पीयर की बैटरी चलती भाई, एक्साइड ले रहे, आमरन ले रहे, 6,500 रुपीज की बैटरी है, ओके। तो यार गाइस, दैट वाज द मेंटेनेंस फॉर दिस टाटा इंडिगो, ठीक है। अभी माइलेज में देखो, सिटी में आराम से आपको बिना 1.4 लीटर डीजल इंजन सिटी में आराम से आपको 12-14 देते रहती गाड़ी, एंड हाईवे पे मैक्स टू मैक्स 18-19 उससे ज़्यादा नहीं देती है गाड़ी। एंड यार गाइस, इफ यू लुकिंग फॉर यू नो आपको एक अच्छी एक स्पेशियस सेडान होना एक बजट में, आप एक फैमिली सेडान देख रहे एक बजट में, आपका बजट टाइट है, यू कैन कम टेक अ लुक एट द कार। ऑब्वियसली यू गॉट दैट बिल्ड क्वालिटी ऑफ टाटा एंड रिलायबल डीजल इंजन है, तो यू नो आपको बजट में अच्छा ऑप्शन हो जाता है ये। एंड यार गाइस, अगर आप पहले की वीडियोस भी नहीं देखे वो भी देखो, आपको एक सर्विस और मेंटेनेंस का आइडिया हो जाता है गाड़ियों का क्या रहता। एंड आपको पार्ट्स एंड सर्विस के लिए कंपनी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने गैराज पे आ सकते हैं डायरेक्टली, वेयर वी प्रोवाइड सर्विस एंड पार्ट्स, ठीक है। चलो सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, चीयर्स, यो।